No, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. My name is Arseniy Kolodlo. I'm living here for 12 years already. I was told in the restaurant I'm coming quite often that he's coming. And the restaurant is Chevala. I work with Indian a lot. Like, I have a lot of colleagues in my work who are from India, and one of them recommended me this place, and it's really a nice place to visit. A lot of Indian cuisine, which is really tasty and something new to try. Also watching Indian movies, my colleagues recommended me something, so I like news, and he's going to visit Poland in 2 days. Right. Just getting closer and like making some preparations, nice projects, and like sharing good practices. Not expecting anything special, but एक्चुअली मैं पोलैंड में हूँ लास्ट 14 ईयर्स से. हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, लेकिन चाय वाला नाम रखने के पीछे एक कारण है. बिकॉज नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, आदरणीय पीएम, वो गुजरात से बिलोंग्स करते हैं और उसको चाय वाला के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका पहले वो चाय का काम करता, उसके पिताजी का रेलवे स्टेशन के ऊपर वो चाय बेचते थे, तो उसको भी चाय वाला बोलते थे. तो हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उसमें इंडिया का भी छवि आ जाएगा और पीएम जी का नाम भी उसमें है, तो हमको उसका भी बेनिफिट रहेगा उसमें. तो किस तरीके का रिस्पांस आपको पोलैंड में मिलता है? जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बिकॉज वी आर द फर्स्ट. यहाँ पे पोलैंड में ऐसा थीम, ऐसा काफे किसी और जगह पे भी नहीं है. यहाँ पे पहला वेला है, वो भी वर्षों में इसका, पोलैंड के कैपिटल में. हम भी ऐसी विश करते हैं कि वो चाय वाला में आए, क्योंकि उसके नाम से ही बिलोंग्स है. और उसका फेवरेट यहाँ पे सुबह का नाश्ता भी हमारे पास है, फाफड़ा जलेबी. हम ऑफर कर रहे हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली ऑफर कर रहे हैं. इसका खुशी हम बयां भी नहीं कर सकते कितनी खुशी है, क्योंकि हर वक्त जिसको मोदी जी को, जिसने भारत को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे जैसे कि पोलैंड है, वहाँ पे पता नहीं था किसी को इंडिया कौन है, इंडियन किया है. अभी सब लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वो इस तरह से जानते हैं अभी सब यहाँ पे. डेफिनेटली होने वाली है. और जो अभी ये वर्ल्ड का माहौल चल रहा है, माइट बी पॉसिबल वो एक शांति दूत बन के वो वॉर को फिनिश करे. पुलिस लोग सब कुछ खाते, लेकिन जब वो पानी पूरी खाते तब उसको बहुत मजा आता, क्योंकि उन लोगों ने ट्राई नहीं किया हुआ था कि ये क्या है. वो उसके हाथ में जब देते तब वो पहले सोचते कि इसको खाना कैसे जाए. ये मेरी वाइफ है, वो उसको बताती है कि इसके अंदर पानी ऐसे फिलअप करके फिर खाना है. बहुत एंजॉय कर रहा है. आपका नाम, अपना परिचय? मेरा नाम चेतन नंदानी, मैं इंडिया गुजरात राजकोट से हूँ. मैं मोदी सर को इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उसको वोट देने के लिए यहाँ से पोलैंड से मैं इंडिया गई थी. मार्च मई में जो इलेक्शन था वहाँ पे वोट देने के लिए मैं गई थी. तो मैं सिर्फ इतनी करती हूँ कि वो हमारे चाय वाले में आए और हमारी चाय पिए और हमें उसका बेनिफिट मिले. माय नेम इज निशा नंदाणी. ये बहुत ही एक्साइटमेंट है इवन हमारे में और यहाँ के लोगों में भी. मैंने अपनी मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए उस दिन जिस दिन 21st को आ रहे हैं. तो मेरी मैनेजर ने भी मुझे यही कहा, इवन दो वो इंडियन नहीं है तो भी उन्होंने ये कहा था कि सचिन मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम मिल सकते हैं. मतलब पॉलिश होकर भी इतना एक्साइटमेंट है उन्होंने. और जब इंडियंस की बात करता है तो बहुत सारे लोगों ने जो लिंक भेजी थी उसमें रजिस्टर कर दिया है कि हमें मिलना है, हमें मिलना है. और मैं तो खुद इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं इवन गुजराती ट्रेडिशनल पहन के, मैं गुजराती हूँ, गुजराती ट्रेडिशनल पहन के वहाँ मुझे एटलीस्ट उनको रिप्रेजेंट करना है कि गुजरात यहाँ तक हम, मतलब जहाँ जहाँ वो है वहाँ हम इवन गुजरात रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम बहुत एक्साइटेड है और मैं
तहे दिल से आशा करती हूँ कि मैं उनसे मिल पाऊँ, एटलीस्ट उनसे एक बार खाली हाय बोल दूँ कि हाथ मिला लूँ। हमारे में इतना एक्साइटमेंट है। हाँ, मुझे मिल गई है छुट्टी, छुट्टी मिल गई है तो मुझे चाहिए कि मैं मिलूँ उनसे। बहुत सारे लोगों ने, हमने रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया है, बट हम बस अब ये चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन रख के उनसे सब वन बाय वन मिले, कि सबको चांस मिले। तो हमारे में भी हमने म्यूचुअली वो अंडरस्टैंडिंग कर लिया है कि हम डिसिप्लिन रखेंगे तो सबको चांस मिलेगा, एटलीस्ट एक बार हाई तो कर लेंगे कि कैसे हो क्या है। आपके दोस्तों ने भी छुट्टी अप्लाई कर दी है? सबने अप्लाई कर दिया, सबने 21 अगस्त की, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया छुट्टी जस्ट उनको मिलने के लिए। थैंक यू। मैं पोलैंड में एज ए स्टूडेंट आया था, अभी मेरी खुद की यहाँ कंपनी है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डील करता है। तो बेसिकली हम पोलिश बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं वर्कफोर्स से, सो हम रिक्रूटमेंट के इंडस्ट्री में है। सो बेसिकली वर्कफोर्स एशिया से, जैसे इंडिया, फिलीपींस, नेपाल हो गया, वहाँ से हम वर्कफोर्स स्किल कैटेगरी वर्कफोर्स को यहाँ पे लाते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और सारी उनकी सुविधा जो है हम उनका टेक केयर करते हैं। ये एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि 45 इयर्स के बाद इंडिया के कोई पीएम हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ, अभी मैं खुद 6 साल से हूँ, तो एक तरीके से हम पोलैंड और इंडिया के बिजनेस टाइज ग्रो होंगे, जो हमारे लिए एडवांटेज है क्योंकि हम एज अ पार्ट ऑफ पोलैंड है। और हम बहुत टाइम से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और पोलिश गवर्नमेंट का जो ब्रिज था वो कनेक्ट हो जाएगा, तो बेनिफिट होगा क्योंकि मैं एज अ बिजनेस ओनर हूँ और हमारे अलावा यहाँ पे 50,000 से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, उनके लिए बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। फायदे की बात यह है कि नए अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे और इंडिया हाईलाइट होगा पोलैंड के लिए भी, एंड सेम वाइस वर्सा पोलैंड के लिए भी बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जिनको इंडिया ग्रो होना है वो भी एक डोर ओपन हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि बहुत सारे पोलिश लोग हैं जिनको इंडिया जाना है, इंडिया में ग्रो करना है, बट उनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे लगता है उनके, मोदी जी के विजिट के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ग्रो होंगे क्योंकि बिजनेस टाइज ग्रोज होंगे। और अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि इंडिया और पोलैंड ने बहुत सारे पॉलिटिकल टाइज ग्रो किए हैं, क्योंकि अभी पोलिश एम्बेसडर हु इज इन न्यू दिल्ली, उनके भी बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि उनको एक्सपेंशन करना है। तो आई थिंक डेफिनेटली 100% उनके विजिट के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बिजनेस ओनर्स, इंडिविजुअल्स और इंडियन नेशनल्स के लिए ग्रो होंगे। मेरे कंपनी में इन द ऑफिस 20 लोग काम करते हैं, बट ओवरऑल हम अराउंड 250 वर्कर्स हमारे पेरोल पे है, जिनको हम वर्क फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा हम करते हैं। तो लेट्स अराउंड 250 टू 300 वर्कर्स हमारे पोलैंड में है, अरेंजमेंट्स किए हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अगर हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स एम्बेसी से आ जाएगा तो सारे जो हमारे वर्कर्स है 250 खुशी खुशी आके यहाँ पे अटेंड करेंगे। सर, हमारी तैयारी तो बहुत है, हमारी खुद इंडियन शॉप है इंडियन बाजार के नाम से। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे, उनका बहुत अच्छे से वेट, बहुत प्यार से हम लोग वेट करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझसे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, तो उनसे बहुत सारी बातें तो मैं करूंगा ही, लेकिन फॉर श्योर अपने देश के बारे में पूछूंगा, उन फ्यूचर उनके प्लान्स क्या है हमारे, हम लोगों के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सब हमारे लिए कर रहे हैं और हम उनके लिए भी करेंगे। तो फॉर श्योर बातें बहुत होगी, लेकिन अपनी कंट्री के बारे में, उनके उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, तो उनके थोड़ा सा मैं उनसे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। सर, शॉप ऐसा है कि क्या कहते हैं, अपनी इंडियन शॉप है तो आराम से, बंद शॉप तो बंद होगी ना, तो उनसे मिलने के लिए खासकर हम लोग जाएंगे। पृथ्वी,